माटी से सजा हुआ है मंदिर। ये क्या क्या है देखिए, ये क्या है, ये भगवान कृष्ण है, ये है, ये देखिए क्या क्या सजाया है, ये आयुष भैया ने सजाया है, ये अब बताइए जन्माष्टमी के बारे में, तुमको बताइए इस जन्माष्टमी के बारे में। मेरा नाम आज जन्माष्टमी है तो फिर मैं जन्माष्टमी के बारे में आज आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जन्माष्टमी पे कृष्णा जी का बर्थडे होता है 5000। ये पहले की बात है, मथुरा का राजा था उसका नाम था कर्ण। वो बहुत अत्याचारी था, बहुत अत्याचारी था। उसने अपने पापा अग्रसेन को भी जेल में डाल दिया था। उसने भी जितने भी अच्छे लोग थे और जो उसके बात नहीं मानते थे उनको जेल में डाल दिया था। वो उसकी एक बहन थी अपने मित्र वासी देव से किया। तो कंस था, कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल ले जा रहा था। तो वहीं से आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को तुम इतने प्यार से उसके ससुराल ले जा रहे हो वही बहन तुम्हें मार, वही उसी बहन का 8वां पुत्र तुम्हें मार देगा, तुम्हें मार देगा। फिर तो वो कंस बहुत भयभीत हो गया। तो कंस ने जितने भी, पहले तो कंस ने देवकी और वासुदेव को एक जेल में डाल दिया। और जितने भी 7 पुत्र हुए देवकी और वासुदेव के, कंस ने उन सभी को मार दिया। 8वां जो पुत्र हुआ वो कृष्णा जी हुए। तो फिर कृष्णा, हाँ ठीक, तो फिर जो वासुदेव थे उन्होंने कृष्णा जी को नंद भवन यशोदा मैया और नंद जी के पास वो छोड़ आए। वहाँ पे कृष्णा जी का जीवन बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा। वो बहुत नटखट थे, उन्होंने कभी वो किसी का माखन चुराते थे, कभी वो किसी का माखन चुराते थे, और बहुत सारी शैतानियाँ करते थे। कि वो जितनी भी शैतानियाँ थी वही लोगों को बहुत पसंद थी। लोग ये योजा मैया से शिकायत करते थे कि ये माखन चुरा रहा है। ये कंस था, उसने एक बार पूतना को भेजा, पूतना को कृष्ण जी का वध करने के लिए भेजा। और बहुत सारे ऐसे राक्षसों को कृष्णा जी का वध करने के लिए भेजा, लेकिन कृष्णा जी ने उन सभी राक्षसों का वध कर दिया। धीरे धीरे कृष्णा जी बड़े होते गए कृष्णा जी। फिर कृष्णा जी ने कंस का वध कर दिया। तो फ्रेंड, जन्माष्टमी पे मंदिर सजते हैं, जैसे अभी यहाँ पे ये वाला मंदिर सजा है। वहाँ पे जो कृष्णा जी की लीलाएं बताते हैं कि कृष्णा जी कैसे, कभी कृष्णा जी की खेलती हुई फोटो होती है, और कभी जो वासुदेव थे, वासुदेव कृष्णा जी को नंद भवन ले जाते हुए उनकी फोटो होती थी। ऐसी बहुत सारी फोटो होती है। समाज के लिए जन्माष्टमी का जो पर्व है, इसके लिए आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी, कैसा त्यौहार लगता है आपको? मुझे जन्माष्टमी बहुत अच्छा त्यौहार लगता है। हाँ, देशवासियों के लिए, भारत के सभी देशवासियों के लिए क्या संदेश दे जाएंगी आपसी भाई? हम लोगों को, सब लोग जितने भी हम लोग में फेस्टिवल होते हैं, हम लोगों को हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, ये सब फेस्टिवल मिलजुल के मनाने चाहिए।
इससे क्या बढ़ता है? प्यार बढ़ता है, सबर बढ़ता है। हाँ, अच्छा, तो सभी लोगों का जीवन कैसा हो जन्माष्टमी के त्यौहार से, कैसा हो सब लोगों के लिए, जीवन के लिए क्या कामना करेंगी, सबका जीवन अच्छा हो।